आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक भगतपुर टांडा के गांव बिलावाला पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 45 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से इसकी दूरी 18 किलोमीटर है। 2100 वोटों वाले गांव की कमान श्रीमती दयावती ने अपने हाथों में संभाल रखी है। तो आइए जानते हैं इन्होंने 4 वर्ष में कितना विकास कराया है, सुनिए प्रधानपति की। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक भगतपुर टांडा के बिलावाला गांव में। यहां पर प्रधान द्वारा काफी विकास कार्य करवाए जा चुके हैं, जिसकी पूरी जानकारी हम यहां प्रधानपति से लेकर आपको बताएंगे। तो चलते हैं प्रधानपति के पास। यहां पर प्रधान, टुडे 24 में आपका स्वागत है प्रधान। यहां आपकी पत्नी है जी। यहां 4 साल इनके विकास कार्य को लगभग पूरे हो चुके हैं। क्या क्या विकास कार्य गांव में अब तक करवा दिए? गांव में 17-18 रास्ते टाइल्स के बने हुए हैं। प्राइमरी स्कूल, जूनियर स्कूल का पूरी तरह से सौंदर्यीकरण करा दिया गया और कार्य चल रहा है। आवास मिले हैं यहाँ लोगों को? यहाँ 5 आवास मिले थे, 5 बने हुए थे 2011 की बन गई। शौचालय बन चुके हैं सभी? 200 शौचालय बने हुए हैं दोनों गांव में। ODF हो गया गांव पूरा? पेंशन वगैरह मिल रही है यहाँ सभी को? पेंशन मिल रही है, जो भी पहले से कुछ और नई चली है वो अभी आई नहीं है। आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड ये सब बने हुए हैं लोगों के? राशन कार्ड तो मैं समझता हूँ कि इस गांव से बेहतर गांव शायद नहीं होगा। राशन व्यवस्था इतनी बेहतर है इस गांव की कि पूरे ब्लॉक में जनता को किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है राशन वगैरह का। तारीख को माइक में आवाज लगेगी और अपना 10 दिन तक 15 दिन तक राशन लेते हैं जी। कोई सरकार की जो योजनाएं हैं, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, क्या इनका लाभ सभी लोगों को मिल पाता है? हमारे यहाँ कम से कम 200 उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिले हैं लोगों को और जो उनका उपयोग भी कर रहे हैं। किसानों को जो बीजों पर सब्सिडी है वो मिल रही है? हाँ, बिल्कुल बीमा हुआ है किसानों जाते हैं उनका बीमा भी हो रखा है। और जो वहाँ किसान सम्मान निधि माननीय प्रधानमंत्री उसका लाभ यहाँ मिला है लोगों को ज्यादातर। यहाँ पर जो सफाई की व्यवस्था है वो किस तरह की है? सफाई कर्मचारी? हाँ, सफाई कर्मचारी नियमित आता है और बहुत ही बेहतरीन काम करता है जी। सफाई अच्छी है गाँव में? 100 नंबर 102 नंबर की सुविधा समय पर मिल जाती है? बिल्कुल, फोन करते ही तुरंत। यहाँ सरकारी बिल्डिंग में से स्कूल के अलावा क्या है? बारात घर है? बारात घर नहीं है। पंचायत घर है? नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्र? आंगनबाड़ी केंद्र भी नहीं है। अस्पताल? अस्पताल भी नहीं है। ये मुख्य हमारे गांव से या बुढ़ानपुर पड़ता है तो 3-4 किलोमीटर पर यहाँ बना हुआ है सरकारी अस्पताल। 3-4 किलोमीटर दूरी पर है यहाँ अस्पताल। अब अपने गांव को सुंदर बनाने के लिए और विकसित करने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहेंगे? भाई, एक तो हम ये चाहते हैं, देखो गांव में जो 2011 की जनगणना से छुटे हुए लोग हैं जो बेचारे आवासहीन हैं तो उनको आवास मिले। कितने लोग लगभग ऐसे होंगे? ऐसे लगभग 63 लोग हैं हमारे दोनों गाँव में जो बेचारे वाकई में गरीब हैं और उनसे आज तक अपना घर मांग पाते हैं। एक तो हमारी ये मांग है कि इस तरह की चीज़ होनी चाहिए उनकी। बिल्कुल। और इसमें एक हमारे गांव में शमशान जरूर होना चाहिए। शमशान घाट नहीं है? हाँ, हमारे तो गांव में जगह उपलब्ध है उसकी। शमशान घाट के लिए आपको कितनी दूर यहां से जाना पड़ता है? अब ये तो हमारा एक गांव करिया नगला लगता है तो वहां है एक बना हुआ बहुत छोटा सा है, जैसे अक्सर दो हो जाती हैं तो उसे बड़ी दिक्कत रही है, 3-4 किलोमीटर पर लेके जाना पड़ता है। शमशान भी ऐसी जगह बना हुआ है कि उसमें इतना कीचड़ रहता है रास्ते में कि इतनी भारी दिक्कत होती है ले जाने में। सबसे शमशान घाट को लेकर यहाँ काफ़ी समस्या लोगों को आती है। और कोई समस्या आपके गांव में आती है जिसके लिए चाहेंगे कि सरकार खास तौर पर ध्यान दे आपकी ग्राम पंचायत में? भाई, हम ये चाहते हैं कि एक तो गांव में जो हमारी विधवा पेंशनें हैं या जो वैसी लोग हैं बेचारे गरीब तबके के, उनकी पेंशन बनी थी, लाभ मिला थी महिलाओं को इसका, तो जो समाजवादी के टाइम से वो तो सब कर गई। समाजवादी पेंशन तो अब नहीं मिल रही थी? नहीं मिल रही। अब दूसरी कोई पेंशन लागू हो तो बेचारे उन गरीब महिलाओं को लाभ होना चाहिए। आप चाहते हैं कि गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए सरकार कोई ऐसी पेंशन या कोई और योजना ऐसी चलाए जिससे उनको एक नियमित आय किसी तरह से मिल सके? मिल सके। जैसा कि आपने देखा प्रधानपति से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास यहाँ प्रधान द्वारा गाँव में करवाया जा चुका है, जैसे कि सीसी कार्य, सड़क निर्माण, आवास भी यहाँ लोगों को दिलवाए हैं, शौचालय से भी ये गांव पूरी तरह से ODF हो चुका है। लेकिन यदि समस्याओं की तरफ यहां नजर करते हैं तो काफी समस्याएं अभी इस गांव में देखने को मिली हैं। प्रधानपति द्वारा बताया गया है कि सबसे प्रमुख समस्या यहां पर जो है वो शमशान घाट को लेकर है। शमशान घाट के लिए यहां लोगों को काफी समस्या का जो है सामना करना पड़ता है, काफी परेशानी उठानी पड़ती है। और जो एक प्रमुख समस्या यहाँ पर नजर आई है
वो बारात घर, पंचायत घर, आंगनवाड़ी केंद्र तक इस गांव में अभी तक निर्माण नहीं किया गया है, तो सरकार उसका भी निर्माण कराए। और प्रधानपति का यहां मानना है कि समाजवादी पेंशन जो कि अब महिलाओं के लिए बंद हो चुकी है, तो वो चाहते हैं कि यहां गरीब महिलाओं के लिए कुछ ऐसी योजना या कोई आय ऐसी निर्धारित की जाए किसी योजना के तहत, जिसको जिससे कि उन्हें निरंतर किसी न किसी आय का जो है मतलब उन्हें लाभ मिलता रहे, ताकि उनका जीवन यापन आसानी से चलता रहे। मैं भी उम्मीद करती हूँ कि मोदी सरकार प्रधान की मांगों को ध्यान में रखते हुए इनकी उम्मीदों को पूरा करे। अशरफ अली के साथ मैं नाजरीन टुडे 24 से। क्या नाम बताओ आपका? मेरा नाम छोटन है। अच्छा, ये जो रास्ता है, इस रास्ते के बारे में बताइए कुछ। इसमें तो खड़े ही है, पर ऐसे कूद कूद के जा रहे हैं। अच्छा, किसके द्वारा हुआ काम ये? प्रधान जी के मास्टर से वो हुआ। अच्छा, आपको कोई दिक्कत नहीं है? कुछ भी ना। संतुष्ट हैं आप? बढ़िया हैं।